हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी करंट अफेयर की डेली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि रिलेटेड है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट से। तो ये जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं बहुत समय से बात हो रही है हमारे इंडिया में जो चीता पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, तो उसको दोबारा री इंट्रोड्यूस करने के लिए वाइल्ड में। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल, एक्सपर्ट पैनल जो है गठित किया था। तो उनकी उन्होंने ये बताया था कि हमारे जो इंडिया में कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, ये बेस्ट लोकेशन रहेगी चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो चीता हमारे वहाँ री इंट्रोड्यूस होगा, ये एक अफ्रीकन चीता है, ठीक है। चीते की जो स्पीसीज़ हैं, ये एक तो एशियाटिक चीता होता है, दूसरा अफ्रीकन चीता। तो जो एशियाटिक चीता है वो ईरान में सिर्फ पाया जाता है, तो हम एशियाटिक चीता को नहीं ला पाए इंडिया में, बिकॉज जो ईरान था उससे जब बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव वेरी फ्यू। तो उनके पास ऑलरेडी जब इतने कम हैं वो हमें दे देंगे, तो ये दिस वॉज द कंसर्न। तो इसकी वजह से जो है हमें एशियाटिक चीता नहीं मिला, तो हमने अफ्रीकन चीता को ही इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है वहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन होगा। तो इससे रिलेटेड जो चीता से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट प्रजाति है, सबसे पुरानी प्रजाति है बिग कैट की। बिग कैट में जैसे आते हैं लेपर्ड आता है, क्लाउडेड लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड आता है, ये सारे बिग कैट्स हैं। तो ये जो बिग कैट की जो है ये ओल्डेस्ट स्पीसी है जितने भी आते हैं। तो इसमें इनका जो ट्रेस जो है, इनके ट्रेस बैक किए गए हैं 5 मिलियन साल पुराने। इनके जो है एंसेस्टर जो थे वो करीब 5 मिलियन सालों से हमारी अर्थ पर रह रहे हैं। तो ये सबसे ओल्डेस्ट बिग कैट है। तो इसकी और अलग दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है वर्ल्ड के फास्टेस्ट लैंड मैमल्स हैं, ठीक है। और अफ्रीकन चीता है, इसका जो स्टेटस है IUCN रेड लिस्ट में, ये वल्नरेबल है। और जो एशियाटिक चीता है, जो कि जिसको लास्ट टाइम जो है देखा गया था हमारे इंडिया में, स्पॉट किया गया था, फीमेल चीता थी छत्तीसगढ़ में 1947 में, और उसके बाद से उसके 5 साल बाद जो इंडिया में इसको एक्सटिंक्ट करार दिया गया था कि लुप्त हो चुके हैं पूरी तरह से चीता। और ये जो एशियाटिक चीता है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं। ये देखिए चीता। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है मारबर्ग वायरस से। तो ये जो मारबर्ग वायरस है, ये अभी घाना में, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, तो यहाँ पे अभी इसका आउटब्रेक पाया गया है। और ये जो मारबर्ग वायरस है, ये इबोला की तरह ही वायरस है। ये काइंड ऑफ सेम जो है वायरस है, सेम फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे। तो जो इसको पहले मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर भी कहा जाता था, ये बहुत ही, इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ही हाई है। और ये जो है फीलो वायरस, जिससे इबोला जो है बिलोंग करता है, उसी से बिलोंग करता है, सेम इसकी जो फैमिली है, सेम फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं। और इनको जो है क्लिनिकली सिमिलर काइंड ऑफ वायरसेस हैं। और ये जो वायरस है, ये रुसेटस फ्रूट बैट है, उसके द्वारा ये फैलाया जाता है। ये एक नेचुरल होस्ट है इस वायरस का, और इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था 1967 में, जब ये जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में और सर्बिया के बेलग्रेड में लगातार मारबर्ग वायरस के बहुत सारे आउटब्रेक पाए गए थे, तब 1967 में इसको डिटेक्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं ये एक हेमोरेजिक फीवर जो है देता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है सिटीजनशिप से। ये जो अभी ये न्यूज़ में रहा है, बिकॉज़ सिटीजनशिप इसलिए न्यूज़ में रहा है, बिकॉज अभी जो है एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 2021 में
करीब 1.6 लाख इंडियन ने जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको त्याग दिया है, रिनाउंस कर दिया गया है। तो ये जो सिटीजनशिप है ये अभी तक की पिछले 5 सालों की सबसे हाईएस्ट जो है रही है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये जो 1.6 लाख है पिछले 5 साल का सबसे हाईएस्ट डेटा रहा है हर साल का। और पिछले 3 साल में करीब 3 लाख इंडियन ने जो रिनाउंस त्याग दी है इंडियन सिटीजनशिप को। विद अमेरिका इमर्जिंग द टॉप चॉइस, इंडिया से छोड़ के वो अमेरिका में जा रहे हैं। तो अमेरिका की सिटीजनशिप एक्चुअली ये होता है, हमारी जो इंडियन सिटीजनशिप है इसकी प्रॉपर्टी है जब आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लोगी किसी और, मान लीजिए आप कैनेडा चले गए, अमेरिका चले गए, आपने वहाँ की सिटीजनशिप अगर ले ली तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप इंडिया के सिटीज़न नहीं रहेंगे, आप रहेंगे अमेरिका, और जहाँ की भी आपको सिटीजनशिप मिली है वहाँ की रहेगी और इंडिया की तुरंत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से ये जो 1.6 लाख इंडियन है इसमें से 78,000 इंडियन ने जो है यूएस सिटीजनशिप एक्वायर की है, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर है जितने भी ये जो 1.6 लाख में जितने भी लोगों ने अदर कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर की है उसमें। तो हमारा जो ये सिटीजनशिप है ये रेगुलेट होता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू, जिसमें कोई भी इंसान अगर सिटीजनशिप को लूज़ करता है तो उसके 3 तरीके बताए गए हैं। एक तो पहला है रिनन्सिएशन, कि यदि आपने आप सिटीज़न हैं इंडिया के, ठीक है, और आप फुल एज में मतलब 18 साल से ऊपर के हैं और आपने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप है वो त्यागना चाहता हूँ, तो ये जो डिक्लेरेशन में नॉट बी, देखिए ये जो डिक्लेरेशन अगर आपने बोल दिया, रिनन्सिएट कर दिया, अपने आप कह दिया है कि मैं यहाँ की जो इंडिया की सिटीजनशिप है त्याग रहा हूँ, तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। बट ये जो सिचुएशन है इसका एक एक्सेप्शन है कि वॉर के टाइम पे इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर किसी बंदे ने जो मान लीजिए 40 साल का है, उसका उसके बच्चे हैं जो कि एक माइनर चाइल्ड है और एक माइनर नहीं है, एडल्ट है, तो क्या होगा, इसके जो माइनर चाइल्ड होंगे, जो माइनर चाइल्ड होगा तो उस माइनर चाइल्ड की भी जो सिटीजनशिप होगी वो लूज हो जाएगी। और लेकिन जब ये जो माइनर चाइल्ड है जब ये 18 साल का हो जाएगा, जब ये 18th अटेन कर लेगा, तो ये अब इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है। ये रिनन्सिएशन का जो है प्रॉपर्टी है। तो चलिए अपना जो नेक्स्ट ये है टर्मिनेशन, ये दूसरा तरीका है, मतलब ये जो 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप जो है आपकी लूज होती है। तो पहला रिनन्सिएशन बता दिया, आपने त्याग दिया। टर्मिनेशन, अगर किसी इंडियन ने जो है वॉलेंटरली अपनी इच्छा से कोई किसी दूसरी कंट्री की, जो मैंने आपको शुरू में बताया किसी दूसरी कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसने अगर रिक्वायर कर ली तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। तो ये और ये हमारा जो तीसरा तरीका है बाई डेप्रिविएशन, कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है, यदि अगर कोई पर्सन है उसने सिटीजनशिप अक्वायर की है कोई फ्रॉड तरीके से, या फिर उसने कुछ ऐसा काम किया है जो कि डिसलॉयल्टी शो करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है उस इंसान से उसकी जो सिटीजनशिप है वो छीनी जा सकती है। तो ये बात हम कर रहे थे सिटीजनशिप एक्ट के ऑफ 1955 से रिलेटेड फैक्ट। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं जो पार्ट सेकंड है हमारा आर्टिकल 5 से 11 तक, वो बात करता है सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है चीज़ें, तो आप ये देख सकते हैं। आर्टिकल 5 है जो कि सिटीजनशिप एज अ कमेंसमेंट ऑफ कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड जो सिटीजनशिप को जो है डिफाइन करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन सिटीजनशिप रिलेटेड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर आती है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे अपने आते हैं जो कि रिलेटेड है डेप्रिसिएशन से। तो अभी जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो इंडियन रुपी है उसकी जो वैल्यू है डेप्रिशिएट कर गई है यूएस डॉलर के प्रति, कि एक यूएस डॉलर जो है 80 रुपये के बराबर हो गया है। तो अभी क्या चला था, बहुत समय से आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में आ रहा था ये कि जो हमारा जो मनी ये जो रुपी है ये जो डॉलर के सामने करीब 75 के ऊपर तो काफ़ी समय से था, तो ये 78 79 70
79 चल रहा था, बट अब फाइनली जो है इसने 80 को पकड़ लिया है, तो एक तरह से हमारा जो इंडियन रुपया वो कमज़ोर पड़ गया है किसके सामने, डॉलर के सामने। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने 80 जो लिमिट है इसको टच किया है इसने। तो जो ये जो रुपी जब ऐसी सिचुएशन कहते हैं रुपी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब जो वैल्यू है रुपी की वो कम हो जाएगी। पहले भाई अगर हम $1 में अगर कोई चीज़ खरीद रहे थे, मान लीजिए वो जो है 75 रुपये के बराबर था, तो हमारा जो ये जो रुपए की जो वैल्यू थी वो उसके मुकाबले थोड़ी मजबूत थी। लेकिन अगर 80 हो जाएगी तो हम भाई $1 का ही सामान हमको महंगा पड़ेगा जो कि 80 रुपये में पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 5 रुपये का डिफरेंस हमें ज़्यादा देना होगा। भाई हम बाहर भाई कोई चीज़ अगर खरीद रहे हैं तो पहले जो $1 में मिलती थी जिसके लिए हमें 75 रुपये लगाने पड़ते, अब हमें 80 लगाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन का क्या जो है कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो कि बताते हैं कि जब भी रुपी जब डिप्रिसिएट होता है तो इससे क्या होता है, जो हमारा हम इम्पोर्ट करते हैं गुड्स को वो जो है कॉस्टली हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि पहले हम कोई सामान बाहर से मंगा रहे थे, तो बाहर तो $1 से, मान लिया अमेरिका से आया है कुछ, पहले हमको 75 का पड़ रहा था, लेकिन अब जब 80 का हो गया तो वही एक सामान उतनी ही क्वांटिटी हमको 80 की पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा इम्पोर्ट है वो कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले कोई अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे कोई चीज़, तो अगर ये पहले हमको 75 की पड़ रही थी कि लेकिन अब जब किसी कोई भी बाहर से अगर हमको पैसा मिलेगा, $1 मिलेगा, मान लीजिए हमने कोई सामान जो है बाहर मार्केट में बेच रहे हैं $1 का, पहले हमको उसके 75 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब जब रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है तो जब बाहर मार्केट में बिकेगी तो वही $1 का सामान जो है वो हमें 80 रुपये उसके मिलेंगे जो हमने एक्सपोर्ट किया है। तो हमें 5 रुपये का फ़ायदा होगा यहाँ पे जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। और आप जानते हैं हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट की जाती हैं, तो जो कि हमारी इकोनॉमी पे जो है काफ़ी डाइवर्स इफ़ेक्ट डालेगा और ये अच्छा नहीं रहता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, मोस्टली इंडिया के जैसे इकोनॉमी। तो आप देख सकते हैं वाई द रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स रिवर्स रिजर्व फॉलिंग, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो रुपी की वैल्यू जो है फॉल कर रही है इन द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर। तो ये क्या होता है, जब हमारे पास जो है मार्केट में हमारे पास इंडिया के पास डॉलर की कमी होगी उसके बदले रुपी ज़्यादा होगा, जहाँ पर आप जानते हैं डिमांड और सप्लाई, नॉर्मली जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी जो है वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो हमारे मार्केट में अगर डॉलर जो है कम हो जाएगा तो ऑलरेडी जब वो कम क्वांटिटी में तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वही अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता तो उसकी डिमांड घट जाती। तो यही रहा है रीज़न कि हमारे पास डॉलर की कमी हो गई है रिसेंटली, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो फॉल कर गया है जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर की कमी है और इंडियन मार्केट में ये जो डॉलर है इसकी वैल्यू बढ़ गई है और इंडियन रुपी की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, डेप्रिशिएट कर गया है हमारा पैसा। तो आई थिंक ये आप इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गई होगी डेप्रिसिएशन से। तो अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि रिलेटेड है रेमिटेंस से, रेमिटेंस इन इंडिया। तो अभी जो है RBI का कहना है कि ये जो US जो है हमारा सबसे टॉप रेमिटेंस सोर्स बन गया है। हमारे इंडिया में जितना भी रेमिटेंस मतलब बाहर से जो पैसा आता है इंडिया में, बाहर से आप किसी के रिलेटिव या कोई भी तरीके से अगर इंडिया में पैसा भेजा जा रहा है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। और जो रेमिटेंस है सबसे ज़्यादा हमको मिल रहा है USA से, ठीक है। तो USA हमारा टॉप रेमिटेंस सोर्स बन गया है आफ्टर UAE फ्रॉम फॉर इंडिया। तो इकोनॉमिक ये ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि USA ने जो है अभी रिसेंटली अब धीरे धीरे इसकी इकॉनमी जो है रिकवरी के फेज़ में आ गई है। तो ये जो रेमिटेंस की ग्रोथ हुई है करीब 23% हुई है और इंडिया को फाइनेंशियल ईयर 21 में जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेमिटेंस मिला है जो कि है 87 बिलियन, ठीक है। और ये जो हमारा रेमिटेंस जो आता था GCC गल्फ नेशन से, गल्फ कोऑपरेटिव नेशन से, तो यहाँ से गल्फ नेशन आप जानते हैं जितने भी ये सऊदी अरेबिया, पर्शियन गल्फ के अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं
सऊदी अरेबिया और यूएई, ठीक है, तो इस टाइप की कुवैत, इन सब कंट्रीज से जो हमें रेमिटेंस आता था वो जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। तो ये करीब 50% पहले था, जो कि अब हो गया है 30% के अराउंड। 16-17 में 50% था, अब हो गया है 2020 से 2021 में 30%, तो आप देख सकते हैं। और इन जो हमारे यूएसए है उससे जो है इंक्रीज़ हो गया है हमारा रेमिटेंस। फिर अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, आई थिंक हमारा ये जो लास्ट आर्टिकल था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।